सावधान सत्संग का तात्पर्य है नित्य नवीन उत्साह प्रकट हो परमार्थ में चलने का। इसीलिए शास्त्र आज्ञा करते हैं सहसा किसी को मत देखो, नजर झुका के बात करो, आवश्यक है तो नहीं तो चलो। उसका अनुभव सुनने की जरूरत नहीं है, वो तुम्हारा मित्र हो, परिवार का जन हो। अनुभव भगवत प्रेमी महात्माओं का सुना जाता है, वचन शास्त्र सम्मत माने जाते हैं। जो बातुल भूत विवस मतवारे, ते नहीं बोले ही वचन विचारे, तिनकर कहा सुनी नहीं काना। परमार्थ के पथिक को अपने ये इंद्रियों को ऐसे खुला नहीं छोड़ देना चाहिए, वो जो बोल रहा है हम सुन ले, नहीं। केवल भगवद वार्ता, महापुरुषों के चरित्र बस, किसी के विषय की निंदा स्तुति सुनने में यदि तुम्हारी श्रवण इंद्री लगेगी तो तुम्हारे अंदर सामर्थ्य नहीं आएगी कि आप नेत्रेंद्री को रोक ले। विषय भोगों की बातें सुनोगे तो नेत्रेंद्री विषय चिंतन के साथ कहीं न कहीं वो भोग भावना करने लगेगी। सावधान, ये जो आप सुन रहे हैं तभी धारण कर पाएंगे जब विचार पूर्वक इसे सत्य भावना से स्वीकार करेंगे कि हां मेरे में गलती हो रही, मेरे को सुधार करना है। साधक को जब उसकी गलती का पता चलता है तो आनंदित होता है, अब इसे छोड़ने का उत्साह उसको प्राप्त हो रहा है। और संसारी को जब गलती बताई जाती है तो समझता है मेरे को आरोपित किया जाता है, मैं ऐसा हूं नहीं, मेरे को आरोपित किया जाता है। बस अंतर साधक और संसारी में इतना ही होता है। हृदय मलिन वासना मान मद, आह हमारा हृदय, हमारा मन, हमारा चित्त वासनाओं में बह रहा है। आप एकाग्रता पूर्वक अंदर झांक कर देखिए क्या चिंतन चल रहा है, कहीं ना कहीं किसी वस्तु व्यक्ति स्थान का रागात्मक चिंतन या द्वेषात्मक चिंतन, ये दो में ही भटक, ये मिल जाए, ये भोग लूं, ये ऐसा वो ऐसा वो, बस इसी को समेट करके चित्त वृत्ति का निरोध करके भगवत चरणारविंद में लगाना, यही साधना है, यही उपासना। बार बार उन विषयों से, उन व्यक्तियों से, उस स्थान से मन को हटाकर प्रभु के चरणों में लगाना। सावधान रहिए, आप सामने नहीं देखते लेकिन कहीं छुप कर किसी को देख रहे हैं तो अंतर्यामी वो तुम्हारे हृदय में बैठा देख रहा है, तुम्हें दंड मिलेगा। क्या भयंकर आपके अंदर वेग आएंगे विकारों के, जिसे आप सह नहीं पाएंगे। इसलिए सावधान, एकांत में भी ऐसी कोई चेष्टा मत देखिए जो आपके हृदय में वासना को बढ़ावा दे रही है। नेत्र मलिन हो गए हैं, इनको संभालिए। ये मलिन नेत्र भगवत दर्शन करने जाते हैं तो वहां भी ये दोष ही दर्शन करते, ना बिहारी जी के दर्शन करते ना राधा वल्लभ जी के। अगर उनके दर्शन हो गए हैं तो आपको देखना रोम रोम प्रफुल्लित हो जाएगा, आंखें आंसुओं से भर जाएंगी, किसी से बोलने का मन नहीं होगा, बस वो छवि बसाए अपनी कुटिया में आकर उसी का स्वाद लेंगे। पर ऐसा नहीं होता, एक ऐसे झलक गई वहां टिकी नहीं दृष्टि और दोष दर्शन शुरू। ये क्या कर रहा है, वो क्या कर रहा है, वो कैसे खड़ा है, पर ये नहीं देख रहा कि मैं क्या कर रहा हूं, मेरा उद्देश्य क्या है यहां आना, मेरा उद्देश्य क्या है वृंदावन वास करना, मेरा उद्देश्य क्या है भगवत वेश धारण करना, वो नहीं विचार पाता। ये क्यों ऐसा होता है, बोले हृदय मलिन हो गया है वासनाओं के कारण। और अहंकार गर्व, इसी से हमारा पूरा जीवन मायाकृत हो गया है। मैंने ये भोगा, मैं ये भोगूंगा, मैंने ये किया, मैं ऐसा करूंगा, मैं शुद्ध ब्रह्म स्वरूप मैं का आरोप अंतःकरण देह भाव से होने के कारण ये चल रहा है। देख लीजिए आप, ये जब हृदय में मैंने ये भोग लिया, मैं ये भोगूंगा, मैंने कर लिया, मैं ये करूंगा, ऐसा ये अहंकार। वृंदावन के रसिकों का रहस्य और वृंदावन का रहस्य वही जान सकता है। वृंदावन इह भी दिवसे तजके सब अभिमान, तृण ते नीचो आपको जाने सोई जान। जो तृण से भी अपने को नीच समझता है और वृंदावन की रज का सेवन करते हुए खूब नाम जप करता है तो वृंदावन कृपालु है, रसिकों का संग दे देता है, रसिकों के संग से
हमारे हृदय में प्रियालाल के प्रेम रंग का मार्ग प्रकाशित होता है, सब बात बन जाती है। और अहंकार, अहंकार ऐसे अपराध कराता है कि मिला हुआ संग भी विमुखता में बदल जाता है, और फिर जो दुर्गति होती है वो केवल वही अनुभव कर सकता है, वर्णन करने योग्य नहीं। जैसे रसिकों के संग से सदगति का वर्णन नहीं किया जा सकता कि कैसी महामहिम में उसकी गति होती है, ऐसे भगवत भक्त विरोधियों की गति का वर्णन नहीं किया जा सकता। परनिंदा सुनि श्रवण मलिन भे, वचन दोष पर गाए, सब प्रकार मल भार लाग निज नाथ चरण बिसराए। हमारी जो श्रवणेंद्री है वो मलिन हो गई है, भगवत चर्चा सुनने में तो रुचि नहीं है, पर दूसरे की दोष भरी बातें तुमने सुना, लोग ऐसा कहते हैं, लोग वो ऐसे हैं, वो ऐसे हैं, ऐसा बड़ा अच्छा लगता है दूसरे की अवहेलनात्मक वाणी, निंदात्मक वाणी, दोष भरी वाणी सुनने में। क्यों? क्योंकि मलिन हो गई है श्रवणेंद्री। वचन दोष पर गाए, ये जिभ्या जब भगवान नाम और भगवत लीला कथा गायन का अवसर आता है, बार बार जमुआई आती है, मन नहीं लगता, लेकिन दूसरे की बात करनी हो निंदा भेलना की तो बड़ा उत्साह रहता है, बड़ा उत्साह, उत्साह ऐसा लगता है कि हमें राज्याभिषेक पद पर बैठाया जा रहा है, भाई आपका ये राज्य मिल जाएगा अगर इसकी निंदा कर लोगे। बचो, अपनी श्रवणेंद्री को पावन करो। गोस्वामी जी कह रहे हैं कि सब प्रकार से हमारा हृदय, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, इंद्रियां सब पापमयी हो गए। इसका प्रधान कारण अपने अंशी आराध्य देव से विमुख हो जाना। भगवत विमुख हो गए, इसीलिए हमारी ये सब दुर्दशा हो गई है। तुलसीदास व्रत दान ज्ञान तप शुद्धि हेतु श्रुति गावे, राम चरण अनुराग नीर बिनु मल अति नाश न पावे। गोस्वामी जी कह रहे हैं कि शास्त्रों में वर्णन किया गया है कि आप ये व्रत रहो, ये दान करो, ये शास्त्रों का ज्ञान प्राप्त करो, तपस्या करो, अनेक उपाय बताए हैं, परंतु मैं अपने अनुभव की बात कहता हूं। गोस्वामी जी कह रहे हैं बड़े बड़े व्रत दान यज्ञ ज्ञान तप आदि में ऐसी सामर्थ्य नहीं है वो आपको निष्पाप कर सके। तो क्या शास्त्रों में झूठ लिखा है क्या? बोले नहीं, वो पाप को तो नष्ट करते हैं पर पाप की प्रवृत्ति को नहीं। और जब भक्तों के संग से प्रभु के चरणारविंद का रंग चढ़ता है तो पाप की प्रवृत्ति सहित पाप नष्ट हो जाते हैं। इसीलिए कह रहे राम चरण अनुराग नीर बिनु मल अति नाश न पावे। ऊपर ऊपर से काट दिया गया, नीचे और नए किनगे आ गए, तो हमें उसे जड़ से नष्ट करना होगा, पाप की प्रवृत्ति को नष्ट करना होगा। पाप की प्रवृत्ति टिकी कहां हुई है? शरीराभिमान में। जब हम भगवत दासत्व को स्वीकार करते हैं कि हम प्रिया प्रीतम के हैं, हमारे स्वामी श्यामा श्याम है, अब यहां से सुधार असली शुरू हुआ, पाप की प्रवृत्ति का नाश हो जाता है। पर यह सुधार केवल साधु संग से होता है। गंगा पापम शशि तापम दैन्यम कल्प तरुष तथा पापम तापम तथा दैन्यम हरति साधु समागम। गंगा जी पाप का नाश करती है, चंद्रमा ताप का नाश करता है, कल्प तरु अभाव का नाश करता है, जो चाहिए वो देने की उसमें सामर्थ्य है, लेकिन संत समागम पाप ताप अभाव सब का नाश कर देता है। क्यों? क्योंकि आपके देहाभिमान का नाश करके भगवत दासत्व प्रकाशित करता है, भगवत अनुराग प्रकाशित करता है। इसलिए बिना प्रभु के चरणारविंद के आश्रय से हम और कोई भी साधन करें बात बनने वाली नहीं है। ये जो भगवान समझा रहे कि बहुत से वस्त्र तुमने त्याग दिए हैं, जैसे भोरी सखी जी कह रहे छाड़े कोटिन शरीर, करोड़ों शरीर तुमने त्याग दिए, अब क्यों इस शरीर पर ममता करके
अपने परम लाभ से वंचित हो रहे हो। जो तुम्हें कर्तव्य प्राप्त हुआ है उस कर्तव्य को उत्साह संपन्न होकर कीजिए। शरीर को लेकर मत बैठ जाइए, मैं बीमार हूं, मैं असमर्थ हूं, मैं वृद्ध हूं, मैं ऐसा ऐसा नहीं। जब तक आपके हृदय में भगवद आश्रय नहीं होगा तब तक आप स्वस्थ होते हुए भी बीमार हैं, क्योंकि मन वासना से युक्त है तो बीमार ही है। बहुत जन्म नाच ले, अब नाचना बंद करो, अब प्रभु के सामने नाचो। माया के नचाए नहीं, तेरे नचाए नाचूं श्री राधा वल्लभ लाल, तेरे ही नचाए नाचूं श्री हरिवंश दयाल। अब नहीं, गोस्वामी जी कह रहे हैं, जो भगवान इस श्लोक में वर्णन करते हैं, पुराने कपड़ों का त्याग करके जैसे नए कपड़े पुरुष पहनता है, ऐसे जो मैं है वो पुराने शरीरों का त्याग करके नए शरीरों को धारण करता है। नाचत ही निस दिवस मर्यो, गोस्वामी जी कह रहे हैं, तब ही ते न भयो हरि थिर, जब ते जीव नाम धर्यो। नाचत ही निस दिवस मर्यो, रात दिन नाचते नाचते मर गया। ओह, देखो ना संसार की तरफ, किसी को विश्राम नहीं है, भागा घूम रहा है। पूछो, आओ आओ थोड़ी देर बैठ लो, सत्संग हो रहा है। नहीं, समय नहीं। क्यों? काम है, काम सबको नचा रहा है। चैन से तुम बैठे हो, क्यों? लो कोई काम नहीं, काम नहीं तो विश्राम, और काम तो नाचना है। जब तक तुम्हारे हृदय में प्रभु का विश्वास, प्रभु का आश्रय दृढ़ नहीं होता, तब तक ये नाच बंद नहीं होगा। नाचत ही निस दिवस मर्यो, मर गए, गए। ये कब से शुरू है? बोले जब से जीव नाम पाया। जीव कब से पाया? इस शरीर पर अहम होने के कारण ही उस विशुद्ध भगवत स्वरूप अंश को जीव संबोधन किया गया। बहुवासना विविध कंचुकी भूषण लोभादि भर्यो, चर अरु अचर गगन जल थल में कौन न स्वांग करे। ये बहुत सी वासनाएं, देखो जब हमारे अंदर कोई वासना प्रकट होती तो ऐसा लगता है अगर ये पूर्ण हो जाए तो बस फिर को भजन में मन लगेगा। लेकिन जिसने इस मन की चाल को नहीं समझा, उसकी पूर्ति में लग गया, तो उसकी पूर्ति होने के पहले ही वो वासनाएं और तैयार कर लेता है। वो भटकता भटकता गिरता जाता है, भ्रष्ट होता जाता है, उसका भोगाभ्यास दृढ़ हो जाता है, विषयों के भोगने का चाव और बढ़ जाता है, समझ नहीं पाता। बहुवासना विविध कंचुकी भूषण लोभादि भर्यो, ये लोभादि भूषण धारण करके वासना की कंचुकी पहनकर रात दिन नाच रहा है माया में। कह रहे कहां कहां नाचा? चर अरु अचर गगन जन थल में कौन न स्वांग करो। जड़ चैतन्य न जाने कितने कितने भेष धारण करने पड़े, कभी आकाश में, कभी जल में, कभी थल में, कौन कौन से स्वांग धरने पड़े। कभी मछली कछुआ बने, कभी सुअर कुत्ता बने, कभी बंबूल और खजूर नाना प्रकार के वृक्ष रूप बने। हम ही है भ्रमित होते हुए हमारी दुर्दशा होती चले। ये वासना, महाराज नहुष बहुत बड़े धर्मात्मा पुरुष थे। धर्मात्मा और भगवत आराधना में अंतर है, इसीलिए भगवान ने कहा सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम ब्रज। बहुत सी यज्ञ की, बड़ा प्रसंग है, देवराज इंद्र को ऐसी समस्या हो गई थी कि इंद्रासन छोड़ के भागना पड़ा था, तो इंद्रासन खाली होने के कारण ब्रह्म ऋषियों ने
महाराज नौशिका आप देवराज इंद्र पद को स्वीकार करें, क्योंकि वो ऐसे पुण्यात्मा थे, इतना उनके पास पुण्य संचित हो गया था। देवराज इंद्र पर पद पर बैठाने के लिए जो उनसे प्रार्थना की तो उन्होंने कहा, कहां मनुष्य शरीर में देवताओं की दृष्टि पड़ते ही हम नष्ट हो जाएंगे, हमारी इतनी बड़ी सामर्थ्य नहीं कि उनको हम आज्ञा कर सके, वायुदेव पवन देव ये बड़े बड़े देव, तो उनका ये हम आशीर्वाद देते हैं कि जिस पर तुम्हारी दृष्टि पड़ेगी उसका आधा बल तुम्हारे ऊपर आ जाएगा। वैसे ही तुम पुण्यात्मा हो तभी देवराज पद के अधिकारी हो, पर यदि तुम्हें ऐसा लगता है तो जिस देवता पर जिस ऋषि पर तुम्हारी दृष्टि पड़ेगी हम आशीर्वाद देते हैं उसका आधा बल तपोबल पुण्य बल आप में संचित हो जाएगा। राजी हो गए, देवराज इंद्र पद पर बैठे, देवराज इंद्र का भवन मिला। अब वृत्ति बिगड़ गई कि जब पद मिला भवन मिला तो इंद्राणी भी मिलनी चाहिए। सूचना पहुंचाई वहां तो गुरुदेव बृहस्पति जी की शरण में गई, कहा भगवान वैसे ही हम समस्या से पीड़ित हैं कि हमारे पतिदेव छुपे छुपे घूम रहे हैं, अब आप हमारे को बचा लीजिए। बृहस्पति जी ने कहा उसके सामने जाकर उपदेश देने से बात बनेगी नहीं, क्योंकि आदि ऋषियों का आशीर्वाद है वो आधा बल ले, चाहे ज्ञान बल तप बल पुण्य बल कुछ भी हो, उसको ऐसा वरदान मिला है, तो तुम्हारे बचने का एक ही उपाय है कि वो ब्रह्म ऋषियों का अपराध कर दे। कैसे? उनका तुम उसको कहो कि यदि आप हमसे मिलना चाहते हो तो ब्रह्म ऋषि तुम्हारी पालकी में हो और तुम पालकी में सवार होकर आओ, जिनके बल से वो इंद्रासन पर बैठा था उन्हीं को आदेश कर दिया। कामांध वासना युक्त हृदय, चलो। अब ऋषियों ने विचार किया ये तो आज तक ऐसा नहीं हुआ, जिन ऋषियों को देखते ही बड़े बड़े देवता अर्घ आदि देकर प्रणाम करते हैं उन ऋषियों को ये पालकी में जोतेगा, ये तो बहुत ही अन्याय हो जाएगा। बड़े बड़े महापुरुष अगस्त दुर्वासा बड़े बड़े तप के धनी, उन्होंने विचार किया कि अगर ये दृष्टि पड़ेगी तब तो बल चला ही जाएगा उसके पास, तो क्या उस पर शासन हो सकेगा। महापुरुष की जटा में अंदर सूक्ष्म लेकर एक तपस्वी महापुरुष बैठ गए, जैसे अगस्त जी दुर्वासा जी सब बड़े सामर्थ्यशाली महात्मा हैं। अब उसके हृदय में बड़ा वासनात्मक उत्साह था, कहा सर्प 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 माने होता है तीव्र गति से चलो, तीव्र गति से चलो। अब तपस्या के धनी ऋषि कोई ऐसे बलिष्ठ थोड़ी हो, तप बल होते हैं वैसे अस्थि मात्र होए रहे शरीरा, तो एक लात मारी और उनकी जटा में ही छुपे हुए बैठे हुए थे तो आवाज दिखाई नहीं दिया, जटा से सूक्ष्म रूप रख के बैठे थे, लात उन पर पड़े तो उनका अरे मूर्ख जिनकी कृपा से तू देवराज इंद्र पद पर बैठा उन्हीं ब्रह्म ऋषियों के साथ ऐसा व्यवहार, तुझे सर्प सर्प बहुत तीव्र जा, तू सर्प योनि को प्राप्त हो अजगर योनि को प्राप्त हो गए। अब आप सोचो ये वासना की क्या गति है, शुभ कर्म से पहुंचा रहा देवराज इंद्र के पद पर, अशुभ वासना उसे पहुंचा देती अजगर की योनि पर, बड़ा अपराध बन जाता है। यह है नाच ऊपर नीचे, तभी कह रहे गगन आकाश में मतलब ऊपर के लोकों में, जल में थल में कैसे कैसे स्वांग रचे, कौन कौन से शरीर धारण किए, मैं तो वही है जो नहुष के शरीर को धारण किए था, मैं वही है जो देवराज पद पर बैठा, मैं वही है जो अजगर बना, तो वाशां से जीर्णानि ये कपड़े त्यागते चले जा रहे। देव दनुज मुनि नाग मनुज नहीं जाचत को उबरेओ, ऐसा नहीं कि पीछे देवी देवताओं की आराधना नहीं हुई, पीछे किसी राजा महाराजा धनी जमींदारों की आराधना नहीं हुई, सबकी आराधना की है पर अपने प्राणाराध्य हरि की आराधना नहीं की। बिना इनकी आराधना के ये जन्म मृत्यु का चक्र नहीं छूट सकता। जितने भी देवी देवता आदि की आराधना है वो ऐसी है जैसे बनिया की दुकान और आपके जेब का पैसा,
बस इतना ही संबंध है, जितना पैसा उतनी सामान, जितनी साधना उतना ही फल। और हरि की आराधना का स्वरूप है गोदनामा, उनके आश्रित हो गए, उनके सारे वैभव के अधिकारी हो गए। वो बनिया की दुकान नहीं कि जितना है उतना ही मिलेगा, नहीं, प्रभु की शरण में हुए, प्रभु का समस्त ज्ञान वैराग्य वैभव अनुभूति सब आपको प्राप्त हो जाएगी। ऐसा कोई दानी नहीं है, वो अपने आप को दान कर देते, अपने आप को समर्पित कर देते हैं। कोई ऐसा त्रिभुवन में नहीं जो मुझे इस दुख से उबारा हो आज तक, गोस्वामी जी कह रहे। देव दनुज मुनि नाग मनुज नहीं जाचत को उबरो, आज तक मुझे कोई बचा नहीं पाया इस माया से, इस प्रपंच से। मेरो दुसह दरिद्र दोष दुख काहू तो न हरो, किसी ने मेरा दुख दोष नहीं हरा, हमारा हृदय पाप वासना से जलता रहा। देखो हम दुख स्वयं मोल लेते हैं, हम दुख बनाते हैं और दुख भोगते हैं, जानबूझकर दुख भोग रहे। ये प्रभु ज्ञान ही तो दे रहे। शरीर का जितना भी आप राग, भोगों का जितना राग, भोग संबंधियों का, शरीर संबंधियों का जितना राग, ये मोल दुख लेना है। समझ में नहीं आएगा जब तक भगवत प्रेमी महात्माओं का बहुत काल तक संग नहीं करोगे। जब बहुकाल करी सत्संगा तब ही होई सब संशय भंगा, जब बहुत काल सत्संग करोगे कुसंग का त्याग करके, तब आपके सारे संशय छिन्न भिन्न हो जाएंगे और भगवत मार्ग प्रकाशित होगा। मेरो दुसह दरिद्र दोष दुख काहू तो न हरो, किसी ने आज तक मुझे इस आवागमन के चक्र से नहीं हटाया, किसी ने ऐसी कृपा नहीं की कि हमारा हृदय कह सके पायो परम विश्राम, अब मुझे अब कछु नाथ न चाहिए मुरे। कहीं चाहे किसी देवता की, दैत्य की, मुनि की, नाग किस किस की हमने आराधना की, नहीं हुआ। देव धनुज मुनि नाग मनुज नहीं जाचत को उबरे, किसी ने नहीं। थके नयन पद पान सुमति बल संग सकल बिछुरे, अब रघुनाथ शरण आयोजन भव भय बिकल डर। थक गया प्रभु, अब थक गया हूं, बस ये थक जाना बहुत बड़ा मंगल विधान है। हार गया, हारे को हरना, हार गया। सब आकाश में, जल में, थल में, नाना प्रकार की योनियों में, नाना प्रकार के कर्म, नाना प्रकार की देवी देवताओं की उपासना करके थक गया, आज तक कहीं विश्राम नहीं मिला। हमारे नयन थक गए, हमारे पद थक गए, हमारे हाथ थक गए, हमारी बुद्धि थक गई, हमारा बल घट गया, कोई भी हमें साथ देने वाला नहीं, नहीं है। आपको भ्रम हो रहा है कि कोई साथी, बोलो अंतर की जलन को कौन मिटा सकता है, कोई साथी बाहर से औषधि दे सकता है रोग निवृत्ति के लिए, लेकिन उसकी पीड़ा को कौन मिटा सकता है, उसकी पीड़ा को कोई मिटा सकता है तो है विवेक, वो है प्रभु के चरणारविंद का बल। हार गया प्रभु, और जो हार गया वही यहां जीत गया, जो हार गया वही यहां जीत, अभी हारे नहीं, अभी धन बल, बुद्धि बल, जन बल, परिवार बल, ये सब, और ये सब धोखे का बल है, कोई साथ देने वाला नहीं। हृदय से इस बात को स्वीकार करो, कोई साथ देने वाला नहीं। ये बहुत बड़ा भ्रम है कि तुम्हारा कोई साथी है, स्वार्थ का तो हो सकता है, परमार्थ का कोई नहीं हो सकता। जिसको तुम अपना बल मान रहे हो एक क्षण में नष्ट हो सकता है, वो बेचारा तुम्हारा क्या सहयोग करेगा। जिस शरीरधारी को तुम अपना बल मान रहे हो, धन को बल मान रहे हो, या और भी, ये सब क्षण में नष्ट हो जाने वाले हैं, ये तुम्हें क्या सहयोग कर देंगे। वो अविनाशी परम तत्व जो तुम्हारा मित्र है, हर समय तुम्हारे साथ है, तुम्हारे हृदय में ही है, बाहर भीतर सब जगह उसका ही एक छत्र राज्य है, तुम उससे प्यार क्यों नहीं कर रहे। क्योंकि हम हार नहीं पा रहे। गोस्वामी जी कह रहे मैं हार गया, अब रघुनाथ शरण आयोजन भव भय बिकल, मैं डर गया। हां डरो, यही डरे ही डर पे हरिवंश
जिनो भ्रमय गुण सलिल पर, ये जो अहंकार से छाती ताले हो, ये काल से नहीं बचा सकती। पर यो प्रवाह काल के कदापि छूटी है नहीं, व्यास नंद नाम जो प्रतीत सो नरट रही। यदि विश्वास पूर्वक प्रभु की शरण में होकर उनका नाम जप नहीं करते हो तो कोई भी तुम्हें इस प्रबल काल के प्रवाह से नहीं बचा सकता, कोई नहीं बचा सकता। जेही गुनते बस हो रीझ कर सो मोहि सब बिसर्यो, तुलसीदास निज भवन द्वार प्रभु दीजय रहन पर्यो। हे नाथ, आप जिन भगवत सद्गुणों से प्रसन्न होते हैं वो सब मैं तो भुला चुका हूं। मेरे अंदर कोई सद्गुण नहीं जिससे मैं कह सकूं कि आप इससे रीझ जाओ। अपने लोग ऐसे ही हैं। अगर कोई आप में सद विचार है, सद साधन है, सद आचरण है, तो आप ये भगवत कृपा से प्राप्त किए हैं, ये आपके नहीं है, ध्यान रखना। अगर इनका गर्व करोगे तो ये भी अंतर ध्यान हो जाएंगे, क्योंकि सब दिव्य हैं। सत्य मार्ग पर चलना, प्रेम मार्ग पर चलना, जितेंद्री होना, भगवत भजन होना, भगवत आराधना होना, ये तुम्हारा गुण नहीं। जैसे देहाभिमानी ये समझ लेता है कि मैं ये कर रहा हूं, जब हट जाऊंगा तो बंद हो जाएगा, नहीं होगा, ये सब भागवतिक है। सोचता है कि मेरे द्वारा प्रजा का पालन हो रहा है, जब मैं मर जाऊंगा तो मेरे परिवार प्रजा का कौन पालन, नहीं, ये सब तुम्हारा भ्रम है। पालनहार तो कोई दूसरा है, तुम केवल भ्रम कर रहे हो। तो जिन गुणों से प्रभु रीझते हैं वो प्रभु ही गुण देते हैं। जैसे निरंतर नाम जप है, साधु संग है, दैन्यता है, श्री जी की ठाकुर जी की सेवा है, जितेंद्रियता है, आप संयम से चल रहे, पवित्र विचार है, ये भगवत प्रदत्त गुण है, ये आपके नहीं है। आप इन पर अभिमान मत करना। मैं इतने वर्ष से ब्रह्मचर्य हूं, मैं सत्य बोलता हूं, मैं धाम में अखंड वास करता हूं, मैं निरंतर भजन करता हूं, मैं श्री जी की सेवा में रहता हूं, ये तुम्हारे सद्गुण नहीं है, ये हरि गुरु कृपा प्रदत्त है। गोस्वामी जी कह रहे और ध्रुवदास जी भी कह रहे, सबै अंग गुणहीन हो। अगर हम किसी गुण पर देखें तो मेरे कोई ऐसे गुण नहीं जिन पर आप रीझ हो, तो सबै अंग गुणहीन हो, ताको यतन न कोई, एक किशोरी कृपा ते जो कछ होए सो। अगर कुछ बनेगा तो लाडली आपकी कृपा से बनेगा, मेरे में तो कोई सद्गुण नहीं। गोस्वामी जी कह रहे, जेही गुण ते बस हो रीझ कर सो मोहि सब बिसर्यो। नाथ, जिस दैन्यता से, निरंतर भजन से, अनुराग से आप रीझते हो, वो तो मेरे में है ही नहीं, उनको तो विचार दिया है। बस प्रभु एक बात है कि आपके दरवाजे पे आके पड़ गया हूं, ये बात ध्यान रखना। बस एक बात है कि आपके दरवाजे पर आकर पड़ रहा हूं। अब आप ठुकराओ चाहे दुलराओ, अब हमारी कोई ठौर नहीं, दूसरा कोई और नहीं। अगर ये बात हृदय में आ जाएगी तो सारी मलिनताएं नष्ट हो जाएंगी। और प्रभु जो उपदेश कर रहे हैं, वाशांश जीर्णानि यथा विहाय, जैसे पुराने कपड़े को ऐसे बिना किसी राग के हम त्याग देते हैं, ऐसे इस शरीर के छोड़ने में आपको कोई कष्ट नहीं होगा। इस शरीर का जो राग है बहुत बहुत दुखदाई है, बहुत दुखदाई है, इसको शीघ्रातिशीघ्र भजन और विवेक बल से त्यागना होगा। जैसे कपड़ा त्यागने में कोई कष्ट, पीछे उदाहरण दिया था, जैसे बाल्यावस्था से जवानी, जवानी से वृद्धावस्था, ऐसे मृत्यु अवस्था, तीन अवस्थाओं में मुझे कोई कष्ट नहीं हुआ, लेकिन मृत्यु अवस्था में क्यों कष्ट हुआ? क्योंकि शरीर छोड़ने में हमारा जो शरीर राग है वो दुख प्रदान कर रहा है, और कोई बात नहीं है। ऐसे ही जैसे कपड़ा पुराना त्यागने में कोई कष्ट नहीं होता अपने को, ऐसे ही शरीर को त्यागने में कोई कष्ट नहीं, जो कष्ट का हमें आभास होता है वो शरीर राग होता है। इसलिए इस शरीर राग को मिटाएं। कैसे मिटाएं? जो पहला पद था कि हमारी इंद्रियां सब मलिनता, हमारा मन सब मलिनता का चिंतन करता है, मलिन आचरण, मलिन विचार, तो कैसे ये विशुद्ध परमार्थ की बात आएगी? इसलिए हम जो सत्संग में सुने उसका मनन करें, और इसी जन्म में हम भगवद आनंद को प्राप्त हों, इसी जन्म में हम प्रियालाल की चरण सेवा में पहुंचे।
शेष चर्चा आगे। श्री राधा वल्लभ लाल।